और बात बंगाल चुनावों की कर लेते हैं, क्योंकि कल तीसरे चरण का मतदान होना है, लेकिन इस मतदान से पहले सियासी तल्खियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। तीसरे फेज से पहले एक और मुद्दा तेजी से उछल गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दीदी और दीदी वाले बयान को टीएमसी ने बंगाल की महिला सम्मान से जोड़ दिया। अब सवाल उठाए जा रहे हैं रैलियों में, प्रधानमंत्री का दीदी कहकर तंज करना अपमानजनक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये अंदाज, तंज के साथ दीदी बोलने की शैली, दीदी ओ दीदी, बंगाल की चुनावी रैलियों में पीएम के ममता पर व्यंग के इस अंदाज में दीदी बोलना समर्थकों को बहुत भाता है। बार बार, हर बार, लगभग हर रैली में पीएम ममता बनर्जी को ऐसे ही पुकारते हैं। दीदी बोलते ही भीड़ भी मानो उछल पड़ती है। कांथी की रैली में पीएम ने खुद ही बता दिया था कि वो बार बार दीदी कहकर ममता को क्यों पुकारते हैं। ओ माय दीदी चाचे आशोल परिवर्तन अच्छे। ओ दीदी जब जरूरत होती है तब तो दीदी दिखती नहीं है, लोकेरा अपना के दोरजा देखा बे दीदी। ओ दीदी, अरे दीदी ये तृणमूल के पाप का घड़ा भर चुका है ये तस्वीर, दीदी आप सुनती भी नहीं हो, अगर देख सकती हो तो देख लो, टीएमसी का खेला शेष हो गए। 2 मई को पश्चिम बंगाल दीदी को द्वार दिखाएगा। लेकिन प्रधानमंत्री के दीदी बोलने का यह स्टाइल टीएमसी को बिल्कुल रास नहीं आया। पार्टी के नेता भड़क गए। कोलकाता में महिला नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रधानमंत्री की शैली की नकल उतारी और समझाया कि आखिर क्यों पीएम की ये शैली गलत है। मैं আমার পাশে শশীদি বসে আছেন, আমি ওনাকে বলছি বা কোথাও গিয়ে বললাম শশীদি আপনি কেন এটা করেন, ঠিক আছে এবার যদি আমি বলি শশীদি ও শশীদি আপনি কেন এটা করেননি, আপনার তো এটা করা উচিত হয়নি, ও শশীদি আপনারা বলুন। टीएमसी ने आरोप लगाया प्रधानमंत्री महिला मुख्यमंत्री का अपमान कर रहे हैं, प्रदेश की महिलाओं का अपमान कर रहे हैं। मुख्यमंत्री के लिए जिस टोन का इस्तेमाल किया जा रहा है उसकी उम्मीद प्रधानमंत्री से हरगिज नहीं की जा सकती। प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री, इस राज्य के मुख्यमंत्री जिसको सब बहुत स्नेह से दीदी बोलते हैं, उस दीदी शब्द को किस तरीके से जो है हम लोग बंगाली में बोलते हैं टोन मारना या टिटकरी मारना या कमेंट देना जिसको कहते हैं, और कहते हैं दोबारा मुझे कहने में भी शर्म होती है जिस तरीके से, जिस अंदाज में दीदी ओ दीदी, जिस तरीके से दीदी आप कहाँ हैं, दीदी आप सुन रहे हैं ना, ओ दीदी, इस शब्द को इस तरीके से प्रयोग करके दीदी का अपमान करना पश्चिम बंगाल के महिलाओं का अपमान है, देश के महिलाओं का अपमान है। दीदी वो शब्द है जो बंगाल की सियासत में ममता बनर्जी की पहचान है। बंगाल में ममता दीदी के नाम से ही पुकारी जाती है, लेकिन जब पीएम मोदी उसी शब्द और सम्मान को व्यंग वाक्य में लपेटकर ममता बनर्जी के लिए इस्तेमाल करते हैं, ओ दीदी, तो टीएमसी को ये अपमान लगता है। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने इसे सड़क छाप भाषा कहा। टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने ट्वीट किया, पीएम का ये टोन ममता के साथ बंगाल की महिलाओं का अपमान है। तो बीजेपी ने पलटवार किया, कहा टीएमसी अपना आपा खो चुकी है। प्रधानमंत्री जी ने तो पूरी इज्जत के साथ बहन को आदर सूचक ढंग से ही कहा है, लेकिन टीएमसी अपना आपा खो बैठी है।
टीएमसी हैज लॉस्ट द मेंटल बैलेंस और वह अपना आपा खोने के साथ साथ क्या इशू उठाना क्या नहीं उठाना क्या बोलना क्या नहीं बोलना इसमें विवेक बहुत कम रह गया है। टीएमसी ने बंगाल अस्मिता को सबसे बड़ा चुनावी हथियार बना लिया है। दावा है कि बंगाल की संस्कृति को बीजेपी के नेता नहीं जानते ना ही समझते हैं। बीजेपी बंगाल के बाहर के लोगों की पार्टी है। टीएमसी प्रधानमंत्री के दीदी बोलने के व्यंग को बंगाल की महिलाओं से जोड़कर इसी बंगाल अस्मिता के जरिए घेराबंदी कर रही है। ममता अपनी हर रैली में यही समझा रही हैं, बंगाल को बंगाली चलाएंगे वही संभालेंगे जो बंगाल की संस्कृति से जुड़े हुए हैं। अमर बंग भूमि अमर राज्य भूमि अमर बांग्ला भूमि सेई बांग्ला के गुजरातीरा दखल करते चाय सेई बांग्ला के बिहारी गुंडादेर दिए दखल करते चाय बीजेपी उत्तर प्रदेशेर बहिरागत गुंडादेर दिए दखल करते चाय আমরা গুজরাটকে বাংলা চালাতে দেব না বাংলা বাংলায় থাকবে বাংলা বাংলায় থাকবে বাংলা বাংলায় থাকবে अलग बात है कि उन्होंने मेरे नाम के साथ बड़े अलंकार जोड़े हैं और उस अलंकार के साथ भी मैं उनका उनके प्रति आदर ही रखता हूं क्योंकि बंगाल की संस्कृति तो हम जीते हैं वो नहीं जीती है क्योंकि ये बंगाल की संस्कृति नहीं है जैसे उन्होंने जिस तरीके की वो राजनीति कर रही हैं तो मैं यही कहूंगा कि अब कई बार लोग मैच हारने लगते हैं तो कोई ताली पीट देता है तो उससे लड़ने लग जाते हैं कि ताली क्यों पीट रहे हो तो इसे ऐसा ही कुछ है। बीजेपी की बढ़ती ताकत से बेचैन ममता ने घरेलू और बाहरी का ऐसा दांव चल दिया है जिसकी काट बेहद मुश्किल है। अपनी पहचान संस्कृति और अस्मिता को लेकर पश्चिम बंगाल के लोग बेहद सजग और संवेदनशील हैं। वहीं बीजेपी बार बार बंगाल की जनता को ये याद दिला रही है कि उनकी पार्टी की स्थापना एक बंगाली यानी श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने की थी। वैसे ये अपमान बनाम सम्मान की लड़ाई तीसरे चरण से किसे फायदा पहुंचाएगी और किसके हाथ हताशा लगेगी ये तो 2 मई को ही पता चल पाएगा। सूर्याग्नि रॉय और अनुपम मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।